वेरी गुड। चलो बच्चों, आज जानते हो हम क्या सीखेंगे? आज हम घड़ी में समय देखना सीखेंगे। चलो मैं तुम्हें सिखाती हूँ। अमृता, क्या हुआ? मेरा सर घूम रहा है और पता नहीं अचानक से सांस चल रही है मेरी। मुझे लग रहा है कि हमें तुरंत हॉस्पिटल जाना चाहिए। तुम आओ मेरे साथ। अमृता, मुझे लगता है कि तुम्हें तुरंत हॉस्पिटल जाना चाहिए और अपना चेकअप करवाना चाहिए। नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है। मैं थोड़ी देर में ठीक हो जाऊंगी। अमृता, कैसी बात कर रही हो? मैं तुम्हें लेकर चलती हूँ वहाँ पे। चलो रुकिए, आप मुझे 2 मिनट सांस लेने दीजिए, फिर मैं आपके साथ चलती हूँ। रिलैक्स। मेरी आंखों के सामने एकदम से अंधेरा छा जाता है, सांस लेने में भी तकलीफ होती है और कभी कभी तो ऐसा लगता है कि मैं सांस ही नहीं ले पाऊंगी। आपके शरीर में कहीं दर्द होता है? हाँ, मुझे यहाँ दर्द होता है। और ये दर्द कितने टाइम तक रहता है? दर्द एकदम से आता है और मुझे लगता है कि मेरा सर ही फट जाएगा और फिर अपने आप चला भी जाता है। अमिता जी, आपकी फैमिली में किसी को ब्रेन ट्यूमर है? इस तरह की कोई हिस्ट्री जो आपको पता हो? नहीं, मेरी मम्मी तो बिल्कुल ठीक है और पापा का रिसेंटली हार्ट का ऑपरेशन हुआ था। अमिता जी, मैं आपको कुछ चेकअप लिख कर देती हूँ जो कि आपको तुरंत करवाने होंगे। क्या सोच रही हो अमृता? मुझे लग रहा है कि डॉक्टर बिल्कुल सही कह रही है, तुम्हें सारे टेस्ट आज ही करवा लेने चाहिए। पर कांताबेन, मैं अभी अपना पर्स लेकर नहीं आई। अमृता, पैसे की फिक्र तुम बिल्कुल मत करो। वैसे भी तुमने हमारे एनजीओ के लिए बहुत कुछ किया है। तुम्हारे ससुराल से जो भी पैसे आए वो तुमने सारे पैसे हमें डोनेट कर दिए, तो मैं तुम्हारे लिए इतना तो कर ही सकती हूँ। नहीं, वो पैसा एनजीओ के बच्चों के लिए है, उस पर मेरा कोई हक नहीं है। अमिता जी, आपको अपना पूरा चेकअप कराना है आज और अभी। वैसे डॉक्टर, आपको क्या लगता है कि मुझे ब्रेन ट्यूमर हो गया है ना? आप यही कहना चाहती है ना? देखिए अमृता जी, जब तक ये रिपोर्ट नहीं आ जाते तब तक मैं आपको कुछ नहीं बता सकती और ये रिपोर्ट आने में कम से कम 4 से 5 दिन लगेंगे। नहीं, आप उस बात की फिक्र मत कीजिए कि मुझे बुरा लगेगा। आप मुझे खोल के बताइए, मुझे सच में ब्रेन ट्यूमर है ना? मैं सच सुनने के लिए तैयार हूँ, आप मुझे बस बता दीजिए बस कि। सॉरी अमृता जी, मैं अभी आपको कुछ नहीं बता सकती। जब तक ये रिपोर्ट नहीं आ जाते और मैं इस रिपोर्ट को देखने लेती तब तक मैं आपको कुछ बता नहीं सकती हूँ। सॉरी। मेरे बच्चों का क्या होगा? वो तो बिल्कुल लावारिस हो जाएंगे, कौन अपनाएगा उन्हें? मैं मरने के बाद उनका ख्याल कैसे रखूंगी?
मम्मा कहानी सुनाओ ना। हाँ बेटा, कहानी सुनाती हूँ। मम्मा क्या हुआ? सब मेरी मेरी सांस चल रही है। पानी पानी सिमर। फिर भी मैं आपसे अपील करना चाहूंगा योर ऑनर, कि जब तक अमृता जिंदा है प्लीज उनसे उनके बच्चे मत छीनिए, वो जीते जी मर जाएगी। माय लॉर्ड, मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि बच्चों के कस्टडी वाले मामले में आप फिर से गौर फरमाएं, क्योंकि जब तक बच्चों की मां की सेहत ठीक थी, वो बीमार नहीं थी, तब तक बच्चों के दादा दादी को उनकी कोई चिंता नहीं थी। लेकिन अब बच्चों की मां बीमार है, शी इज टर्मिनली इल, तो फिर ऐसे में क्या कह रहे हैं आप? ऑब्जेक्शन, ऑब्जेक्शन योर ऑनर। मैं मानता हूं कि अमृता जी टर्मिनली इल हैं, लेकिन हमने उम्मीद अभी भी नहीं छोड़ी हुई है। इनका इलाज चल रहा है और जब तक इलाज चलता है तब तक उम्मीद बनी रहती है कि वो ठीक हो जाएंगी। योर ऑनर, मुझे लगता है कि मेरे काबिल दोस्त विशाल जी, जो कि खुद एक जाने माने वकील है, इनको टर्मिनली इल का मतलब ही नहीं मालूम है। सर जी, टर्मिनली इल का मतलब यह होता है कि मरीज ज्यादा दिन जिंदा रहने की संभावना नहीं है। जब बच्चों की मां, छोटे छोटे बच्चों की मां ही नहीं रहेगी तो बच्चों को कौन देखेगा? ऑब्जेक्शन, ऑब्जेक्शन ऑन दिस पॉइंट, प्रोसीड। टर्मिनली इल का मतलब मैं भी बहुत अच्छी तरह समझता हूं। I'm an educated man, Mr. Kulkarni. जब तक सांसें चल रही हैं जज साहब, उम्मीद बंधी रहती है। और फिर इस दुनिया में मैंने बड़े चमत्कार भी होते देखे हैं मिस्टर कुलकर्णी। यस योर ऑनर, मैंने टर्मिनली इल पेशेंट्स को ठीक होते देखा है, लास्ट स्टेजेस में जिनको कैंसर है उन्हें ठीक होते देखा है। एलोपैथी उन्हें टर्मिनली इल घोषित कर सकती है, मगर अल्टरनेट मेडिसिंस है, आयुर्वेद है, होम्योपैथी है, जिससे वो ठीक हो सकते हैं। इसलिए मेरी अपील है कि मिस्टर बलबीर अरोरा की अपील को खारिज किया जाए और बच्चों को अपनी मां से छीना नहीं जाए, दादा दादी को नहीं दिया जाए। दैट्स ऑल योर ऑनर। मेरे काबिल दोस्त विशाल जी की बातों पर मुझे हंसी आ रही है। वो कोर्ट को भी अंधविश्वासों और चमत्कारों के बूते पर चलाना चाहते हैं। माय लॉर्ड, क्या यह मुझे बताने की जरूरत है कि एक टर्मिनली इल पेशेंट को हॉस्पिटल के कितने चक्कर लगाने पड़ते हैं, उन्हें कितनी देखभाल की जरूरत पड़ती है? यहां तो मामला ही उल्टा है। टर्मिनली इल पेशेंट दो बच्चों की मां है। क्या मुझे बताना जरूरी है कि एक मां को अपने बच्चों की देखभाल के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है, कितना उनके पीछे रहना पड़ता है? क्या कहना चाह रहे हैं आप? क्या कहना चाह रहे हैं? आपको जो भी कहना है आप साफ साफ कहिए ना, ये घुमा फिरा के बात क्यों कर रहे हैं? मिस्टर विशाल, आप मिस्टर कुलकर्णी को अपनी बात रखने का पूरा मौका तो दीजिए और बीच बीच में मत बोलिए।
You can have your seat, please. Yes, Mr. Kulkarni. Your Honor, मुझे सिर्फ इतना कहना है कि बच्चे बहुत छोटे हैं, हर समय उन्हें देखभाल के लिए कोई ना कोई चाहिए। ऐसे में एक बीमार माँ, टर्मिनली इल माँ, उसकी कैसे देखभाल कर सकती है? और फिर बच्चे अपनी माँ को कहीं देखते देखते उदास ना हो जाए। और उससे भी बुरी बात यह है कि बच्चे अपनी आंखों के सामने अपनी माँ की बढ़ती हुई बीमारी को देख रहे हैं। और ऊपर से बिचारी अमृता अपने बच्चे को पालने के लिए दिन रात मेहनत कर रही है, सुबह कहीं और नौकरी कर रही है, शाम को कहीं और नौकरी कर रही है। योर ऑनर, फिर डॉक्टर के चक्कर, कभी ये टेस्ट कभी वो टेस्ट, यही सब चल रहा है। ऐसे में एक बीमार माँ अपने छोटे छोटे बच्चों की देखभाल कर सकती है? क्या यह संभव है? मुझे सिर्फ इतना ही कहना है योर ऑनर। मिस्टर विशाल, आप बचाव पक्ष के लिए कुछ कहना चाहते हैं? जी हाँ मिलॉर्ड, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि अमृता ने अपने बच्चों को बड़े जतन से पाला है। जब से वो पैदा हुए हैं आज तक उसने उनका बड़ा ख्याल रखा है, और ये जो बच्चे हैं वो भी अपनी मां के साथ बहुत खुश हैं। मैं मानता हूं कि अमृता बीमार है, वो अपने बच्चों को उतना समय नहीं दे पा रही हैं जितना एक मां को अपने बच्चों को देना चाहिए, लेकिन उन्होंने एक नैनी रखी हुई है अपने बच्चों की देखभाल करने के लिए। लेकिन मिस्टर विशाल, एक नैनी मां की जगह तो नहीं ले सकती ना। मैं मानता हूं कि जिस तरह मां बच्चों की देखभाल कर सकती है, एक नैनी नहीं कर सकती। मगर फिर भी मैं आपसे अपील करना चाहूंगा योर ऑनर, कि जब तक अमृता जिंदा है, प्लीज उनसे उनके बच्चे मत छीनिए, वो जीते जी मर जाएगी। बस योर ऑनर, इसके बाद फैसला आपका है। मुझे जो कहना था मैंने कह दिया। मिसेज अमृता और उनके बच्चों की कस्टडी के केस में इस अदालत ने बहुत गौर से सोचा है, और ये नतीजे पर आई है कि चूंकि मिसेज अमृता टर्मिनली इल है, इसीलिए इस हालत में वो अपने बच्चों की परवरिश जैसी होनी चाहिए वैसी नहीं कर पा रही। इसीलिए बच्चों के भविष्य के लिए टेम्पररीली उनकी कस्टडी अपने दादा दादी को सौंप दी जाए। नहीं जज साहब, मेरे बच्चे। हेलो विशाल, आई एम सॉरी, मैंने तुम्हें इतनी देर रात फोन किया। क्या तुम कल सुबह कोर्ट जाने से पहले मुझसे मिल सकते हो? मैं मम्मा सिमरन, बेटा मेरी दवाई लेके आ। Hello, Simran. Hello. How are you? Hi. अरे? Amrita,
तुम्हें क्या हुआ? हाय, हाउ आर यू? सॉरी, तुम्हें देर रात फोन किया कल. देर रात कहाँ थी, सुबह होने वाली थी. दरअसल मैं तुमसे सुबह सुबह मिलना चाहती थी, बात ही कुछ ऐसी थी. तो तुमने पुकारा और हम चले आए. बोलो, आ गए ना? विशाल, कुछ भी ठीक नहीं है. मैं बहुत बीमार रहने लग गई हूँ. मुझे मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा. मैंने परसों टेस्ट भी करवाए थे. मुझे लगता है कि मुझे कोई गंभीर रोग हो गया है. I'm terminally ill. और मुझे लगता है जैसे कि मैं मरने वाली हूँ. मरने वाली हो? क्या हो रहा है अमृता? दरअसल मैं बताऊं, तुम बहुत मेहनत कर रही हो और उसका असर तुम्हारी सेहत पे पड़ रहा है. स्ट्रेस, यू आर स्ट्रेस्ड आउट. तुम ठीक हो और मरने वाली हो. चलो मुझे अपनी हाथ की लकीर दिखाओ. दिखाओ, ये देखो, ये तुम्हारी लाइफ लाइन, ये इतनी लंबी है यहां तक. हम दोनों जब ऊपर जाएंगे तुम उसके बाद ऊपर जाओगी. You gonna live long. मुझे पता था विशाल कि तुम मेरी बीमारी को मजाक में उड़ा दोगे. तुम्हारे जैसे दोस्त बहुत कम होते हैं. देखो ना, इसीलिए मैंने सबसे पहले तुम्हें फोन किया, ना कि किसी और को. अमृता, विशाल, एक्चुअली ये बहुत वीक हो गई है और इसका रंग तो देखो कितना पीला पड़ गया है. अरे चुप रहो यार, मतलब कोई बीमार न भी हो तो तुम ये सब बोल के उसको बीमार कर दो. अच्छा एक बात बताओ अमृता, तुमने टेस्ट्स करवाई हैं? रिपोर्ट्स कब आ रही हैं? कल शाम को रिपोर्ट्स आ जाएंगी. लेकिन रितंबरा बिल्कुल ठीक कह रही है, मैं सच में बीमार हूँ. अमृता, तुम्हें कुछ नहीं होगा. और वैसे भी आजकल ऐसी कोई बीमारी बची ही नहीं है जिसका इलाज ना हो. और तुम्हारी रिपोर्ट अभी तक आई नहीं है. पता नहीं, लेकिन मैं खुद से अंदर ही अंदर अपने आप को बहुत वीक महसूस कर रही हूँ. मेरे सर में दर्द रहता है और हमेशा सांसें चढ़ती रहती है. और एकदम से बात करते करते बेटा, मेरी दवाई लेके आ. मेरे मरने के बाद तुम और तमरा मेरे बच्चों का ध्यान रखना. उनका मेरे अलावा अभी कोई नहीं है विशाल. जब तक इंद्रजीत ना आ जाए बस तब तक. सिमरन, तुम राहुल को लेकर अंदर जाओ. अंदर शांत. क्या बात है अमृता, जस्ट रिलैक्स, डोंट वरी, तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी. हाँ विशाल, मैंने दवाई ली है. मैं थोड़ी देर में ठीक हो जाऊंगी. लेकिन मुझे पता है कि मैं अमृता, तुम सच में गंभीर रूप से बीमार हो. किस डॉक्टर से इलाज करा रही हो तुम अपना? अरे सारे डॉक्टर्स तो एक जैसे होते हैं. अब एक बार उसकी रिपोर्ट आ जाने दो, उसके बाद सोचेंगे किस डॉक्टर से मिलवाना है. कम ऑन अमृता, नाउ डोंट बी सो इमोशनल, इतना भावुक मत हो. देखो तुम्हारे छोटे छोटे बच्चे हैं, उन पे असर पड़ रहा है. विशाल, अरे तमरा,
मुझे नहीं लगता कि मैं अब ठीक हो पाऊंगी। मैं बहुत ही जल्द मरने वाली हूँ। मैं नहीं जी पाऊंगी, लेकिन मुझे सिर्फ एक बात का डर है कि मेरे बाद मेरे बच्चों का क्या होगा। जब तक इंद्रजीत आएंगे तब तक इनका ध्यान कौन रखेगा? विशाल, तुम देखना विशाल, जैसे मैं आखिरी सांस लूंगी ना, मेरे सास ससुर आएंगे और मेरे बच्चों को ले जाएंगे। मैं नहीं चाहती कि मेरे बच्चे उनके साथ रहे। मैं उनके संस्कार अपने बच्चों को नहीं देना चाहती। मैं नहीं चाहती कि मेरे बच्चे उस नरक में जाए। विशाल, मुझसे एक वादा करो, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, मेरे मरने के बाद तुम्हारे तमरा मेरे बच्चों का ध्यान रखना। उनका मेरे अलावा अभी कोई नहीं है विशाल, जब तक इंद्रजीत ना आ जाए बस तब तक। डोंट बी हाइपर। विशाल, मैं हाइपर नहीं हो रही हूँ, मैं सिर्फ एक माँ का फर्ज अदा कर रही हूँ। विशाल, मैं नहीं चाहती कि मेरे बच्चे मेरे बच्चों का भविष्य खराब हो जाए। तुम दोनों से वो खुले मिले हुए, तुम दोनों को जानते भी हैं, वो तुम्हारे साथ बहुत अच्छे से रह पाएंगे। और तुम एक और वादा करो मुझसे, तुम मेरे बच्चों को उनका हक दिलाओगे। विशाल, उनको उनका हक दिलाओगे तुम? कौन छीनेगा तुम्हारे बच्चों को, मैं देखता हूं। और अमृता, मेरा वादा है कि मैं और रितंबरा उनका ख्याल रखेंगे। यस, डोंट वरी, हम तुम्हारे बच्चों को अपना बना लेंगे। थैंक यू सो मच। मुझे पता था कि तुम मेरी आखिरी ख्वाहिश जरूर पूरी करोगे। अमृता को ये भरोसा नहीं था कि उसके पास अब कितना वक्त बचा है। ना जाने कब उसे अस्पताल में भर्ती होना पड़े, इसलिए वो अपना ज्यादा से ज्यादा समय अपने बच्चों के साथ बिता रही थी।